हे गाइस, मैं इंदर 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है आसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 पे रिलेटेड टू कस्टम रोम दैट इज़ 1+7 पोर्ट्रेट रोम विद ऑक्सीजन OS 10.2। सो ये बेसिकली कॉन्टिन्यूशन है हमारे प्रीवियस वीडियो की जिसमें हमने इंस्टॉलेशन पार्ट दिखाया था। तो इसमें हम इनिशियल रिव्यू करेंगे और इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम फुल फीचर सेट्स बताएंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बेसिकली ये हमारी कस्टम रोम एक एंड्रॉयड 10 बेस्ड है, तो लेट मी शो यू दैट एज वेल। वाला तो बेसिकली आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एंड्रॉयड 10 एंड इसके अलावा इसमें जो सिक्योरिटी पैच है वो अक्टूबर 1, 2019 का जो समवट लाइक ओल्डर है, बट बिकॉज ये पोर्ट्रेट रोम है तो डेवलपर को बड़ी बार देखना पड़ता है कि यार कौन सी पोर्ट्रेट रोम किस सिक्योरिटी पैच से बढ़िया चल रही है, कौन सी फंक्शनैलिटी। तो आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में डेवलपर इससे बढ़िया चीज़ लेके आएंगे और ये जो अंडरलाइंग बग्स है जो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड अपार्ट टू दिस, इस पर्टिकुलर रोम में जो कर्नल है वो है रैगिंग बीस जो कि क्रिएटेड बाय है सुबुमन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैटरी की। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि अगर आप ये फ़ोन अपनी एज एन प्राइमरी डिवाइस यूज़ करना चाहते हैं तो ये इस पर्टिकुलर फ़ोन का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे वर्स्ट बैटरी बैकअप है, चाहे वो आइडियल ड्रेनिंग हो चाहे वाइल्ड यूजिंग। तो जैसे कि मैंने ये पर्टिकुलर रोम पिछले 7 से 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो जब भी मैं रात को इसे आइडियली छोड़ता हूँ नियरली अबाउट 7 to 8 आवर्स, समटाइम 8 to 10 आवर्स, तो नियरली अबाउट 10 to 15% ऑफ बैटरी ड्रेनेज है आइडियल में। तो ये रियली वर्स्ट है। अगर आप बैटरी सेवर ऑन कर दोगे तो नियरली अबाउट 8 to 10% है। सो ऑल इन ऑल फिर भी है बैटरी सेवर के बाद। एंड अ पार्ट टू दिस, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो विद लाइक किसी एप्स के साथ या वगैरह वगैरह, तो भी आप इसे देखोगे। लेट्स से अगर आप गेम, जैसे कि मैंने गेम्स खेली हैं बड़ी वाली जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी एंड पबजी, तो दोनों में मैंने दोनों को मिला के एक ही दिन में जब मैं टेस्ट कर रहा था तो मैंने नियरली अबाउट 1.5 से 2 घंटे या नियरली अबाउट 2 से 2.5 घंटे का थे कॉल ऑफ ड्यूटी एंड पबजी। तो ऑल इन ऑल इन दोनों गेमों में 25 से 30% मेरी बैटरी यूसेज हुई, और उसके बाद एज कम्पेयर टू प्रीवियस लाइक और रोम्स मेरे हिसाब से ये थोड़ी ज़्यादा है। तो डेवलपर को इस पर काम करना चाहिए, तो अपनी तरफ से हम कन्वे कर देंगे उन्हें। अपार्ट टू लाइक बैटरी, ये सबसे बड़ी बात होती है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो चलिए वो भी टेस्ट करा देता हूँ। सबसे पहले मैं टैप कर रहा हूँ, वाला तो ये सबसे बढ़िया चल रहा है। देन अगेन एक लास्ट टाइम फिर से, तो ऑल इन ऑल फिंगरप्रिंट स्कैनिंग वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। फेस अनलॉकिंग, सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फेस अनलॉक हम इसमें अपना फेस ऐड ही नहीं कर पा रहे, तो फेस अनलॉकिंग तो चलेगा नाम ही नहीं। तो ऑल इन ऑल सेकंड बग है फेस अनलॉकिंग, सो फेस अनलॉकिंग इज नॉट वर्किंग। बट एक एडिड चीज़ है कि इसमें कॉल रिकॉर्डिंग एब्सोल्युटली चल रही है, तो आप कॉल रिकॉर्ड करके चेक कर सकते हैं। जब भी मर्जी आप किसी को कॉल करें अपनी कॉल रिकॉर्ड करें, सबसे अच्छी क्वालिटी की चल रही है, मतलब ये भी नहीं कि कोई एवरेज है, अच्छी क्वालिटी की है। तो ऑल इन ऑल कुछ बग्स के साथ कुछ अच्छी फंक्शनैलिटीज़ भी प्रोवाइडेड है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। इससे पहले कि हम रिव्यू पार्ट पे जाएं जहां पर हम रैम मैनेजमेंट वगैरह, उससे पहले कुछ क्विक सेटिंग्स है जो डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मतलब फ्लैश लाइट सबसे सही चल रही है, ब्लूटूथ वैसे सही चल रहा है, बट ब्लूटूथ ऑडियो लाइक अगर आप वायरलेस हेडफोन्स या वायरलेस स्पीकर वो नहीं चल रहा है तो उसमें देखना पड़ेगा। बैटरी सेवर चल रहा है जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। उसके अलावा फोकस मोड जो कि डिजिटल वेलबिन का पार्ट है, ये भी अच्छी तरह चल रहा है। अगर आप किसी ऐप को डिस्ट्रैक्ट होने से अलग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना चाहते हो तो आप उसे टर्न ऑन करके किसी भी ऐप को उसमें कर सकते हो, उतने टाइम तक वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। नाइट मोड इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। स्विच डेटा इज़ नॉट वर्किंग, तो आपको देखना पड़ेगा लाइक ये सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा है, मतलब ये चल नहीं रहा है। NFC मैंने टेस्ट नहीं किया और मुझे लगता भी नहीं कि हमारे फ़ोन से वो कंपैटिबल है, बट आप टेस्ट कर सकते हैं इसे। देन रीडिंग मोड इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। सबसे बेहतरीन यो या मैं कहूँगा USB इस पर्टिकुलर रोम का मुझे लगा जेन मोड। लाइक अगर आप अपने फ़ोन को कुछ टाइम के लिए, जब आप चाहते हैं कि आप अपना फ़ोन यूज़ ना करें किसी भी चीज़ के लिए, तो आप इसे जस्ट ऑन कर लीजिए। देन उसके बाद वो आपको एक स्क्रीन बताएगा कि आपने 20 मिनट के लिए रखना है या 30, 40, 60 जितने भी है, उतने टाइम तक फिर आप दोबारा से अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर पाएंगे। चाहे आप उसे रीस्टार्ट भी कर लें जो भी, जब तक वो पर्टिकुलर 20 मिनट टाइम है, 30 मिनट टाइम है, जो भी आपने सेट किया वो कंप्लीट नहीं हो जाता या मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डर इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इंटरनल ऑडियो एंड वॉइस ओवर दोनों। स्क्रीन कास्टिंग ऑल इन ऑल नहीं चल रही, एक या दो बारी मैं कनेक्ट कर पाया था पर उसके बाद नहीं। और मैंने ये 3 से 4 लैपटॉप्स पे चेक किया लाइक कंप्यूटर एंड लैपटॉप, तो ये नहीं चल रही है। उसके अलावा VPN चल रहा है बट मैंने टेस्ट नहीं किया, ये मेरे को किसी ने मतलब मैंने पढ़ा था कहाँ। देन उसके बाद OTG, ये बड़ी चीज़ अच्छी है कि उन्होंने OTG का डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्टकट दिया। आप OTG ऑन लाइक प्लग करके OTG ऑन कर लीजिए और उसके बाद 10 मिनट की इनएक्टिविटी के बाद वो टर्न ऑफ हो जाएगी उससे आप। तो ऑल इन ऑल एक पोर्टेबल स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए अच्छी चीज़ है ये भी। एंड अपार्ट टू दिस नेटवर्क इशूज़, येस तो नेटवर्क इशूज़ हैं
मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्स्ट है, पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नेटवर्क अच्छा है, तो ऑल इन ऑल एवरेज है। तो यूजली ये डिपेंड भी करता है कि कहाँ आप रह रहे हो या कहाँ पर, बट यूजली मुझे पिछली कई रोम्स में नेटवर्क का कोई इशू नहीं था मेजर, बट इसमें मुझे फील हुआ है। तो आप ये भी टेस्ट कर सकते हैं, मे बी आपके एंड पे ना हो बट मेरे एंड पे ज़रूर था ये। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है विद द मैसेज ऐप, अगर आपका वोल्टी ऑन है तो उसके बाद अगर आप मैसेज ऐप खोलते हैं तो वो क्रैश करने लग जाती है। लेट्स से मैंने यहाँ पर गया तो वो क्रैश होगी, दोबारा से यहाँ पर जाऊँगा क्रैश। तो ऑल इन ऑल वोल्टी के साथ आपकी मैसेज ऐप नहीं चल रही है, तो ऑल इन ऑल ये भी एक लाइक एक तरह का ब्लंडर है या बमर है। देन ड्यूल वोल्टी वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ सिंगल वोल्टी कर रहा है, तो ऑल इन ऑल ये भी एक तरह का बमर है। सो ऑल इन ऑल अगर आप डेली ड्राइवर की तरह ये यूज़ करना चाहते हैं तो आई वॉन्ट रिकमेंड, बट अगर आप जस्ट टेस्टिंग की तो आप देख सकते हैं कि अपने आसू जेनफोन मैक्स रोम पे वन प्लस रोम कैसे चलती है। तो चलिए मेन रिव्यू पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले कैमरा 2 API वाला, सो आउट ऑफ द बॉक्स हमें Level 3 की सपोर्ट दी जा रही है, और मैंने इसके अलावा गूगल कैम इंस्टॉल करके टेस्ट भी कर रही है, सब कुछ चल रहा है एक्सेप्ट स्लो मोशन। और इसका लिंक आपको नीचे लाइक गूगल कैमरे का लिंक और हमारे ऑफिशियल ब्लॉग जिसमें हमने इंस्टॉलेशन पार्ट के बारे में डिस्कस किया था वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया जाएगा ताकि आप गो थ्रू कर सकें। उसके बाद डिस्कस करते हैं DRM इन्फो लाइक गूगल कैमरा एंड सो ऑन। देन DRM इन्फो, इसमें एक छोटा सा ब्लंडर लिखा है लाइक वाइड वर्ल्ड सर्टिफिकेशन का कोई वो दिखा नहीं रहा है, तो मे बी आप अज्यूम करके चल सकते हैं कि शायद इसमें L1 है, बट मे बी आप कंफर्म कर सकते हैं हमें, और आई विल ऑल्सो कन्वे द सेम टू द डेवलपर एज वेल, बट मुझे दिखा नहीं ऐसी चीज़ कुछ। एंड उसके अलावा रूट लाइक रूट मैंने किया नहीं तो वो है नहीं। चलिए कुछ पिक्स क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको इसी के साथ, पहले गूगल कैमरे के साथ देन उनके स्टॉक कैमरे के साथ। तो वन तो लेटेस्ट वाली प्रोसेस हो रही है, उससे पिछली वाली पे चलते हैं। ये हमने अभी अभी क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्लैरिटी है, और ये लास्ट में की थी। तो ऑल इन ऑल गूगल कैमरा इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक दे दिया जाएगा ताकि आप टेस्ट कर सके अपने एंड में। इसके अलावा स्टॉक कैमरा जो इस पर्टिकुलर रोम के साथ आता है वो भी एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन है, इसमें स्लो मोशन भी अच्छी चल रही है, आप टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इससे क्लिक की पिक्स भी चेक कर लेते हैं। तो ऑल इन ऑल ये भी बहुत अच्छा कैमरा है, एज़ कम्पेयर टू गूगल कैम थोड़ा सा कम है, बट अगर आप स्टॉक कैमरे की तरीके से देखें तो बहुत अच्छा चल रहा है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे सीधे अपने बेंचमार्क स्कोर्स की, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एंटीटू बेंचमार्क्स रन किए हुए हैं। तो एंटीटू में जो बेंचमार्किंग स्कोर है वो है नियरली अबाउट 144,973। तो चलिए चेक कर लेते हैं कंसोलिडेट एज वेल, लाइक CPU में नियरली अबाउट 58,000 प्लस, GPU में 24,000 प्लस, मेमोरी मैनेजमेंट में 31,000 प्लस, एंड UX में अगेन 31,000 प्लस। सो ऑल एंड ऑल एज कम्पेयर टू वर्जन 059 एंड 060, ये इन दोनों के मिड रेंज में ही है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे गीक बेंच 4 के स्कोर्स की। यूजली मैं इन्हें रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट यूज़र्स की तरफ से या सब्सक्राइबर या व्यूज़ की तरफ से होता है कि भाई ये भी पता करना है वगैरह वगैरह, तो ये मतलब फिर एक एडेड ऑन एडवांटेज है, मतलब या एक एडिशनल चीज़ है वीडियो में। तो बेसिकली गीक बेंच 4 में सिंगल कोर स्कोर है 1338, मल्टी कोर स्कोर है 4198। सो ऑल इन ऑल एज कम्पेयर टू वर्जन 015 अगेन मिडल रेंज में ही है दोनों के, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। देन अगेन कंप्यूट यूजिंग रेंडर स्क्रिप्ट इट स्कोर नियरली अबाउट 4632। सो ऑल इन ऑल फिर से वही चीज़ वर्जन 059 एंड 060 के हिसाब से। देन उसके बाद गीक बेंच 5, सो एज़ कम्पेयर टू गीक बेंच 4, गीक बेंच 5 का एल्गोरिथम थोड़ा डिफरेंट है, तो इसमें आपको स्कोरिंग थोड़ी अलग से लेवल की दिखती है, मतलब कम या ऊपर नीचे। तो ऑल इन ऑल सिंगल कोर स्कोर में 281, मल्टी कोर स्कोर में 1248, एंड अपार्ट टू दिस कंप्यूट, तो इस गीक बेंच 5 में कंप्यूट के लिए हमारे पास दो डिफरेंट एल्गोरिथम है, वन इज ओपन सी एल एंड अनदर इज वल्कन एपीआई। जो ओपन सी एल है उससे 436 कोर्स हुए हैं, जो वल्कन एपीआई है वो इस पे रन नहीं की या कंपेटेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर रोम्स, तो वो मैं कर नहीं पाया। तो अगर लाइक आप भी अपने एंड पे ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वो कंपेटेबल नहीं है वल्कन एपीआई इसके साथ। तो चलिए अब बात करते हैं रैम मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखा देता हूँ कि रिसेंटली इसमें कितनी ऐप्स खुली हुई हैं। तो हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी एंड पबजी मोबाइल से कि वो लाइक स्टार्ट से स्टार्ट होती हैं या फिर फ्रॉम दी लॉग इन स्क्रीन जहाँ मैंने उन्हें छोड़ा था। तो सबसे पहले मैं ओपन करूँगा कॉल ऑफ ड्यूटी, तो ये मैंने ऑलरेडी ऑन की हुई थी, गेम प्ले कर रहा था, तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि एक लाइक प्रॉम्प्ट आया था गेमिंग मोड इज़ ऑन, और उसी के साथ आप स्टेटस बार में भी चेक स्टेटस सॉरी नोटिफिकेशन बार में भी चेक कर पाएंगे कि गेमिंग मोड इज़ ऑन फनेटिक मोड, सो यू कैन ऑल्सो कन्फिगर दिस अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। एंड इसके बाद हम टेस्ट करते हैं पबजी कि वो भी स्टार्टिंग लाइक लॉग इन स्क्रीन से होती है स्टार्ट स्क्रीन से। सो
सो ऑल इन ऑल वो भी हमारी लॉग इन लाइक स्टार्ट स्क्रीन से हुई है रादर देन स्क्रैच से. तो ऑल इन ऑल रैम मैनेजमेंट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. अभी तक मैंने 7 से 8 दिन की यूसेज में इसमें सिर्फ हार्डली एक या दो क्रैश देखे हैं जिसमें फ़ोन टोटली फ्रीज हो गया था. लाइक हार्डली वो करना पड़ा था रीबूट बाय प्रेसिंग वॉल्यूम डाउन एंड रीबूट बटन और आई वुड से पावर बटन. सो इसके अलावा हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है कुछ लाइक क्विक सेटिंग्स दैन रिव्यू पार्ट बेंचमार्किंग रैम मैनेजमेंट एंड सो ऑन. इसके अलावा हम पार्ट 3 लेकर आएंगे. पार्ट 1 में हमने इंस्टॉलेशन दिखाई थी, पार्ट 2 में रिव्यू, पार्ट 3 में पूरा फीचर टूर होगा इस पर्टिकुलर रोम का. तो स्टे ट्यून्ड टिल दैट. सो इट दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर साइड. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल बिकॉज दिस विल श्योरली मोटिवेट अस एंड बूस्ट अस टू क्रिएट मोर वीडियोज लाइक दिस इन द कमिंग फ्यूचर. फाइनली इट्स द टाइम टू साइन अप नाउ. बाय फॉर नाउ. थैंक्स.